हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस देश की जिससे पूरी दुनिया डरती है, जहाँ का राष्ट्रपति एक खुफिया जासूस था, जहाँ की ठंड आपकी हड्डियाँ कपा देंगी, जिस देश के खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में हैं, जहाँ के इंसान तो छोड़ो बिल्लियाँ भी नौकरी करती हैं, और हाँ, वह देश जो हमेशा से भारत का खास रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। तो चलिए जानते हैं रशिया के कुछ हिडन फैक्ट्स। गाइज, रशिया का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है और ये एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों, ये देश एशिया से 77% और यूरोप से 23% बाउंड्री शेयर करता है। एरिया के अकॉर्डिंग रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। इस देश की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है मॉस्को, जो अपने रशियन आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। गाइज, इस देश की पॉपुलेशन है लगभग 14 करोड़, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। रशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है। इस देश की करेंसी है रशियन रूबल, और एक रशियन रूबल एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। फ्रेंड्स, दुनिया के साथ साथ चलना क्यों इतना ज़रूरी होता है, उसका एक उदाहरण रशियन कैलेंडर ने दिया था। बात है 1908 ओलंपिक गेम्स की, जो लंदन में हुए थे, जहां रशियन ओलंपिक टीम 12 दिन लेट पहुंची थी, और इसके पीछे की वजह थी जूलियन कैलेंडर, जो रशिया फॉलो करता था। यह कैलेंडर मेन कैलेंडर से 2 हफ्ते पीछे चलता था। इस घटना से रशियंस को भले ही उतना नुकसान नहीं हुआ हो, क्योंकि यह ओलंपिक 6 महीने तक चला था, पर इस घटना ने ये तो दिखा दिया कि क्यों दुनिया के साथ चलना ज़रूरी होता है। साल 1918 में रशिया ने जूलियन कैलेंडर को छोड़कर ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने देश में किसी जानवर को नौकरी मिलते देखा है? अधिकतर देशों में तो इंसान नौकरियों के लिए तरसते हैं, पर दोस्तों, रशिया में बिल्लियों को भी नौकरी दी जाती है। गाइस, रशिया का हर्मिटेज म्यूजियम वहाँ की एक बहुत बड़ी धरोहर है। यहाँ वैल्यूबल पेंटिंग्स लगी हैं, और इन्हीं पेंटिंग्स की चूहों से रखवाली करने के लिए इस म्यूजियम ने बिल्लियों को नौकरी में रखा है। दोस्तों, रशिया की एक फॉर्म ने तो एक बिल्ली को $520 की मंथली सैलरी में अपने यहाँ नौकरी में रखा है। फ्रेंड्स, अब आप अपनी बिल्ली को नाकारा सोचना बंद कीजिए और वीडियो में फोकस करिए। गाइज, मिलिट्री वाइज रशिया हमेशा से दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली देश रहा है, और अपनी जमीन का एक एक टुकड़ा रशिया के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट था। लेकिन फ्रेंड्स, रशिया ने अलास्का यूएसए को पानी के भाव बेच दिया था। अलास्का को $7.2 मिलियन में बेचा गया था, और आज इसकी वर्थ $50 मिलियन की है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इतने धनी अलास्का को आखिर बेचना क्यों पड़ा? दोस्तों, इसके पीछे की वजह थी क्रीमियन वॉर में रशिया की हार, जिनने इनको फाइनेंशियली बहुत पीछे कर दिया था। इसी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए रशिया को अलास्का बेचना पड़ा था। और हाँ गाइस, रशियंस को तब इसकी वैल्यूएशन के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो फिर क्यों ही बेचते? फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एक ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके सामने खड़े होने पर आपकी जान जा सकती है? गाइस, सुनने में ये चीज़ थोड़ी अटपटी ज़रूर लगेगी, लेकिन एक ऐसी झील रशिया में है। जी हाँ फ्रेंड्स, रशिया की कराचे लेक इतनी जहरीली है कि अगर कोई व्यक्ति इसके सामने 1 घंटे तक खड़ा हो जाए तो वो अपनी जान गंवा देगा। गाइज, ये झील पहले से इतनी जहरीली नहीं थी। दरअसल मयांक न्यूक्लियर प्लांट का डंपिंग जोन होने के कारण ये झील पॉइजनस बन गई। साल 2003 में इस न्यूक्लियर प्लांट का काम जरूर रुकवा दिया गया था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। गाइस, ठंड में रहना कोई इजी टास्क नहीं है। यूँ तो माइनस में जाते टेम्परेचर में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान उइमाकोन रशिया में है, जहाँ इंसानी आबादी रहती है। यहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक तो रहता ही है, और यहाँ रिकॉर्ड किया गया लोएस्ट टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों, इस परिस्थिति में रहना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से यहाँ के लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। गाइस, वोट का रशिया की देन है, और रशियन लैंग्वेज में वोट का पानी को कहते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग इसे पानी की तरह पीते हैं। इसी के चलते इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 65 साल है, जो नॉर्थ कोरिया से भी कम है। दोस्तों, किसी देश का राष्ट्रपति कितना मजबूत हो सकता है, इसका उदाहरण है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। चाहे बात हो उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज की या उनके टैलेंट की, बचपन से ही पुतिन टैलेंटेड थे। उन्होंने जूडो में ब्लैक बेल्ट जीता था, और 1971 में रशिया की खुफिया एजेंसी KGB को ज्वाइन किया। वह KGB के सबसे ताकतवर खुफिया जासूसों में से एक थे। अपनी इन्हीं स्किल्स का राजनीति में इस्तेमाल करके वो रूस की सत्ता में इतने लंबे समय तक काबिज हैं। पुतिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। साल 2014 में पुतिन को मोस्ट करप्ट लीडर का अवार्ड मिल चुका है। इनका सेंट पीटर्सबर्ग का इंपीरियल पैलेस इस बात की गवाही देता है। गाइस, भारत और रशिया की दोस्ती बहुत गहरी है। जब जब भारत को एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत पड़ी है, तब तब रशिया भारत के साथ खड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड।
रशिया ने भारत का साथ हर अंतर्राष्ट्रीय मंच और सभी जंगों में दिया है। साल 1971 में इंडो पाक वॉर में भारत की जीत का एक बहुत बड़ा कारण रशिया ही था। इस जंग के दौरान रशिया ने भारत की मदद के लिए अपना एक समुद्री बेड़ा बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था और भारत रूस की दोस्ती के सामने अमेरिका जैसे देश को भी घुटने टेकने पड़े थे। इतना नहीं दोस्तों, रशिया भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है। हमने रशिया से सुकोई और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, MI सीरीज के हेलीकॉप्टर्स, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। रूस के लोग अपनी अमीरत दिखाने का शायद ही कोई मौका छोड़ते होंगे, क्योंकि गाइज अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपको भी ये बात सही लगेगी। रशिया की राजधानी मॉस्को के अमीर ट्रैफिक से बचने के लिए फेक एम्बुलेंस खरीदते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग ऐसी 4000 फेक एम्बुलेंस पुलिस पकड़ लेती है, पर दोस्तों मौजूदा समय में रशियन पुलिस उसको लेके काफी सख्त है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रशिया में ही है। दोस्तों आप इस रेलवे लाइन की लंबाई का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि ये रेलवे लाइन 8 टाइम जोन से गुजरती है। दोस्तों इस रेलवे लाइन की लंबाई 9,198 किलोमीटर है, जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक जाती है। गाइस दुनिया के फ्रेश वाटर का 1/5 पार्ट केवल रशिया में है और ये पूरी रशियन टेरिटरी में बटा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, रशिया पूरी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इस फ्रेश वाटर का अधिकतर भाग फ्रोजन फॉर्म में है। दुनिया की सबसे गहरी झील बाइकाल झील रशिया में ही है। ये झील अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर और यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए वर्ल्ड फेमस है। रशिया में 11 टाइम जोन है। इतने टाइम जोन होने की वजह से इस देश में जहां एक समय में दिन हो रहा होता है उसी समय किसी दूसरे भाग में रात। गाइस रशिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, जो USA और सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज्यादा है। रशिया पर डे 10.5 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है। USSR ने 1957 में स्पूतनिक सैटेलाइट को स्पेस में भेजा और 1961 में USSR ने पहले इंसान जो कि यूरी गैगरिन थे उनको स्पेस में भेजा था। दोस्तों वर्ल्ड की टॉलेस्ट वीमेन स्टैच्यू रशिया में है, यह है द मदरलैंड्स कॉल। इसकी हाइट है 85 मीटर्स। गाइज अगर आप लोग कभी रशिया जाएं तो इन जगह जरूर जाएं। यह है मॉस्को का सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, अल्टाई माउंटेन रेंजेस, सर्बिया का ओमाइकॉन, हर्मिटेज म्यूजियम, माउंट एल्ब्रस, बाइकाल लेक, सर्बियन ट्रेन राइड और वोल्वोग्राड का मदरलैंड स्टैच्यू। तो गाइज ये थे कुछ हिडन फैक्ट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हर फाइनेंशियल सपोर्टर का नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। अमाउंट 1 रुपया भी हो सकता है। फील फ्री टू सपोर्ट अस। गाइज आपका हर लाइक शेयर कमेंट हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me.